हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम कंप्लीट हाउस वायरिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। आज के स्टूडियो में हम दो रूम के लिए कंप्लीट हाउस वायरिंग काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं एनर्जी मीटर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, स्विच बोर्ड कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, हाउस लोड के लिए वायरिंग किस तरह की जाएगी, प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, सब कुछ काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है, बट लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को वॉच करने के बाद हाउस वायरिंग से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने की। चलिए सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। यह हमारे पास फर्स्ट रूम होने वाला है। फर्स्ट रूम में हमारे पास चार एलईडी लाइट होने वाली है। इसके अलावा एक फैन बॉक्स होने वाला है जिसमें फैन का कनेक्शन करना है। तो फैन की जगह पर हमने एक बल्ब का यूज किया है और चार एलईडी लाइट हमारे पास फर्स्ट रूम में होने वाली है, आप देख सकते हैं। और यह फर्स्ट रूम के लिए स्विच बोर्ड हमारे पास होने वाला है, देख सकते हैं आप। और जो सेंटर में हमने फर्स्ट रूम से सेकंड रूम को जोड़ने के लिए पाइप का यूज किया है, तो सेकंड रूम में वायरिंग ले जाने के लिए हमने किया है, ताकि हमें वायर कम से कम लगे। सेकंड रूम में भी देखा जाए तो ये स्विच बोर्ड होने वाला है और चार बल्ब या चार एलईडी लाइट हमारे पास होने वाली है और एक फैन बॉक्स होने वाला है, आप देख सकते हैं। स्विच बोर्ड में देखा जाए तो ये हमारे पास एक रेगुलेटर होने वाला है और ये फैन के लिए स्विच होने वाला है जिसका कनेक्शन हमें सीखना है। इसके अलावा हमारे पास चार स्विच यहाँ पर एलईडी लाइट के लिए चार स्विच दिए गए हैं। आप जिस स्विच से जिस लाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर एक टू पिन सॉकेट होने वाला है और एक हमारे पास स्विच होने वाला है टू पिन सॉकेट को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। यहाँ पर एमसीबी बॉक्स में देखा जाए तो हमारे पास एक मेन एमसीबी होने वाली है, देख सकते हैं एक मेन एमसीबी होने वाली है और दो हमारे पास हर एक रूम के लिए सेपरेट एमसीबी होने वाली है। वैसे तो मेन रूम से ही आपके दोनों रूम की लाइट चल जाती है, बट यदि आपको थ्री रूम फोर रूम के लिए कनेक्शन करना होता तो फिर आप किस तरह से कनेक्शन करेंगे इस हिसाब से हमने आपको समझाया है। तो हमारे पास एक मेन एमसीबी होने वाली है और दो सेपरेट एमसीबी होने वाले, एक फर्स्ट रूम के लिए एक सेकंड रूम के लिए। वैसे आप एक ही रूम से दोनों को लोड को चला सकते हैं। देखिए यहाँ पर एनर्जी मीटर में देखा जाए तो एनर्जी मीटर में यहाँ पर हमारे पास नीचे चार टर्मिनल्स दिए गए होते हैं। यहाँ पर हमें देख सकते हैं यहाँ पे चार टर्मिनल्स है। फर्स्ट में हमें इनपुट फेस कनेक्ट करना होता है जो हमारे पास पोल से आता है। सेकंड में न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है जो हमारे पास इनपुट पोल से आता है। थर्ड से हमें न्यूट्रल आउटपुट मिलता है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी में जाता है और फोर्थ से फेज आउटपुट मिलता है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी में जाता है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन सीखने की कोशिश करते हैं किस तरह कनेक्शन किया जाएगा। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम सीख लेते हैं किस तरह प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा। एनर्जी मीटर में हमारे पास पोल से जो सिंगल फेज सप्लाई आती है उसमें फेज एंड न्यूट्रल का कनेक्शन हमने कर लिया है। जो थर्ड टर्मिनल होने वाला है यहाँ से हमें न्यूट्रल मिलने वाला है। यहाँ पर जो वायर का आपको यूज करें वो एटलीस्ट 4 square mm का यूज करें या मिनिमम 2.5 square mm का यूज करें, क्योंकि यदि यहाँ पर वायर आपका जल जाता है तो चेंज करने में काफी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर आप एटलीस्ट 4 square mm का वायर यूज कीजिए। तो देखिए ये हमारे पास थर्ड टर्मिनल से हमने न्यूट्रल का कनेक्शन किया है। यहाँ पर आपको 4 square mm का वायर यूज करना है अकॉर्डिंग टू आपके घर का जो भी लोड हो उस हिसाब से। देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रल का आउटपुट होने वाला है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी में जाने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल हमने कनेक्ट कर दिया है। जो एनर्जी मीटर का फोर्थ टर्मिनल होता है उससे हमें फेस को कनेक्ट करना है। कनेक्शन को आप अच्छे से टाइट कीजिएगा, कहीं पर भी कोई लूजिंग नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हमें ले जाकर एमसीबी में फर्स्ट टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एमसीबी में हमारी सप्लाई आ चुकी है जो कि एनर्जी मीटर के द्वारा आई है। वैसे दो रूम के लिए आप सेपरेट एमसीबी या सिंगल एमसीबी से भी कनेक्शन कर सकते हैं, बट यदि आपको तीन रूम के लिए चार रूम के लिए कनेक्शन करना हो तो फिर इसी तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का कनेक्शन करना होता है। इसलिए हमने इस तरह से आपको समझाया है ताकि आप आगे चलकर कितने भी बड़े हाउस के लिए कनेक्शन कर सके। तो देखिए जो मेन एमसीबी का जो फेज आउटपुट होने वाला है उसे हमारे आपके पास 2 MCB हो, 3 MCB हो, जितनी भी MCB हो सभी MCB के इनपुट में आपको कनेक्शन कर देना है। देख सकते हैं सभी इनपुट के
सभी एमसीबी में इनपुट में हमें लूपिंग इस तरह से कर देना है ताकि हमारा जो फेस का जो आउटपुट हो वो सभी एमसीबी के लिए इनपुट हो सके। मेन एमसीबी से सभी एमसीबी में इनपुट यहां से आएगा, फिर जिस एमसीबी से हमें जिस लोड को कंट्रोल करना है वहां पर हमें कनेक्शन कर देना है। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट रूम की एमसीबी होने वाली है, तो यहाँ पे हमने एक वायर कनेक्ट किया जो कि हमारे पास फर्स्ट रूम के लिए फेज होने वाला है। देख सकते हैं यह वायर हमारे पास फर्स्ट रूम में जाने वाला है, फर्स्ट रूम में यहीं से पूरी लाइट कंट्रोल होने वाली है। वैसे सिंगल एमसीबी से भी कनेक्शन हो जाता है, बट अब आपके डाउट सारे क्लियर हो सके इसलिए हम इस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर न्यूट्रल हमारे पास दो होने वाले हैं, तो यहाँ पर दो न्यूट्रल आसानी से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। यदि आपके पास तीन न्यूट्रल या चार न्यूट्रल होते तो फिर आपको यहाँ का आउटपुट ले जाकर न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट करना होता और न्यूट्रल लिंक से आपको लेना होता, बट हमारे पास दो ही रूम होने वाले हैं इसलिए हमने यहाँ पर जस्ट दोनों वायरों को एमसीबी में ही कनेक्ट कर दिया है। देख सकते हैं आप, और यहाँ पर भी आप हर एक रूम के लोड के हिसाब से एटलीस्ट 2.5 square mm का वायर यूज कीजिए। वैसे 2.5 square mm से आपके दोनों रूम एक ही वायर से चल जाते हैं, बट हमने सेफ्टी के लिए यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन किया है। देखिए ये दो वायर हमारे पास फर्स्ट रूम में जाने वाले है जिससे हमारा फर्स्ट रूम का लोड चलने वाला है, और सेकंड रूम के लिए हमने वायर को अभी रख दिया है। किस तरह से कनेक्शन होगा वह भी हम सीख लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारी मेन सप्लाई होने वाली है वो फर्स्ट रूम में स्विच बोर्ड में यहाँ पर आ चुकी है। फेज एंड न्यूट्रल, यदि आपको अर्थिंग का कनेक्शन भी करना हो तो अर्थिंग का वायर भी आप ला सकते हैं। सेकंड रूम के लिए यहाँ से हमें वायर को ले जाना होगा। देखिए वायर ले जाने के लिए हमने इस तरह से कनेक्शन किया है, पाइप को इस तरह से लगाया है ताकि हमें वायर कम से कम लगे। यदि हम और घुमा के ले जाते तो हमें वायर काफी ज्यादा लग जाता, तो आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह से कम यूज करना है। देखिए यहाँ से हमने जो सेकंड रूम के लिए वायर होने वाला है वो यहाँ से पाइप के द्वारा सेकंड रूम में कनेक्ट कर देना है। ऐसा करने से वायर हमें कम लगने वाला है। अब ये तो हर एक जगह पर आपको अलग अलग आपके हिसाब से नॉलेज लेना होता है कि कहाँ पे हमें वायर कम यूज करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास सेकंड रूम के लिए सप्लाई मेन सप्लाई आ चुकी है, सर्किट वायर यहाँ पे आ चुके हैं आप कह सकते हैं। तो सर्किट वायर हमारे पास यहाँ पर सेकंड रूम के लिए भी अभी आ चुके हैं। अब किस तरह हाफ कनेक्शन किया जाएगा, हाफ वायर डाला जाएगा हम समझ लेते हैं। दोनों रूम में हमारे पास सर्किट वायर अभी आ चुके हैं। चलिए अब हर एक लोड के लिए हम हाफ की वायरिंग कर लेते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, हमारे पास फेज एंड न्यूट्रल सबसे पहले स्विच बोर्ड में आता है, फिर जिस स्विच से हमें जिस लोड को कंट्रोल करना होता है वहां से एक वायर हमारा उस लोड में जाता है। तो देखिए यहाँ से हमारा हाफ का वायर इस लोड के लिए आ चुका है। यहाँ पर हाफ की वायरिंग के लिए हमने ग्रीन वायर यूज किया है, आप वाइट भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए हाफ की वायरिंग के लिए हमने यहाँ पे ग्रीन वायर का यूज किया। देखिए फर्स्ट लोड के लिए हमारे पास यहाँ पे हमने वायर डाल लिया है जो हमारे पास फेज आने वाला है और स्विच के जरिए आने वाला है। यहाँ से हमारे पास जो लास्ट वाला बल्ब होने वाला है वहां पर हमें वायर को ले जाना। देखिए फेज हमारा यहाँ पर भी आ चुका है। इसी तरह से हमें चारों लाइट के लिए और फैन के लिए वायर को ले जाना होगा फेज का, जो कि स्विच बोर्ड के जरिए हाफ के वायर हमारे पास आए हैं। वीडियो बड़ा जरूर होगा बट लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। देखिए अब फोर्थ लाइट के लिए भी कनेक्शन हमें इसी तरह से कर लेना है। जस्ट अभी हम एक फेज का वायर डाल रहे हैं जो कि हमारे स्विच बोर्ड के जरिए आने वाला है। तो चारों लाइट के लिए हमारे पास फेस का वायर आ चुका है, फैन के लिए हम लास्ट में डालने वाले हैं। यह हमारे पास न्यूट्रल होने वाला जो कि हमारे पूरे रूम में घूमने वाला है। तो देखिए यह न्यूट्रल वायर को हमें सभी लोड के पास ले जाना है क्योंकि फेस हमारा स्विच के जरिए आया है और न्यूट्रल हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एमसीबी बॉक्स से भी ले जा सकते हैं या स्विच बोर्ड से भी ले जा सकते हैं जहां से वायर आपको कम लगे। देखिए न्यूट्रल हमारे पास फैन बॉक्स में आ चुका है, इस फैन बॉक्स के जरिए हम सभी लोड में न्यूट्रल की लूपिंग कर देंगे। फैन बॉक्स में लूपिंग करने से यह फायदा होता है कि आगे यदि हमारा कहीं से भी न्यूट्रल ब्रेक होता तो हम यहाँ पे फैन बॉक्स में चेक कर सकते हैं कहाँ से हमारा न्यूट्रल ब्रेक हुआ है। देखिए यहाँ पे हमारे पास मेन न्यूट्रल आ चुका है, इस मेन न्यूट्रल को हमें सभी लोड में लूपिंग करना होगी। तो देखिए यहाँ से हमें सभी लोड में यहाँ पे हम न्यूट्रल की लूपिंग इस तरह से कर लेते हैं और यहाँ पे हम सभी वायर को जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो वायर हो चुके हैं, फेज एंड न्यूट्रल। यहाँ पर भी हमारे पास दो वायर हो चुके हैं, न्यूट्रल यहाँ पे हम लूप करने वाले हैं।
चलिए यहाँ पे हमें थर्ड रूम के लिए भी न्यूट्रल को कनेक्ट कर लेना, यहाँ पे लूप हो जाएगा, और जो फोर्थ लोड होने वाला है इसके लिए भी न्यूट्रल की लूपिंग हमें कर लेना है। अभी हमने फैन के लिए ना तो फेस डाला है ना न्यूट्रल डाला है। अब देखिए फैन के लिए हम फेस का वायर डाल लेते हैं, जो कि फैन के लिए वायर यूज करने वाले हैं वह हम रेड वायर यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जब हम कनेक्शन करेंगे स्विच बोर्ड में तो हमें पहले ही पता चल जाएगा कौन सा हमारे पास फैन के लिए वायर आया है और कौन सा लाइट के लिए आया है। वैसे आप कलर कोड कोई भी यूज कर सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फैन के लिए हमने यहाँ पर रेड वायर का यूज किया है। तो देखिए फैन का वायर जो फेज वायर होने वाला है वो यहाँ से डायरेक्ट फैन बॉक्स में आने वाला है। देख सकते हैं फैन बॉक्स में फेज का वायर अभी आ चुका है। न्यूट्रल हमें यहाँ पे एक लूपिंग और कनेक्ट करके यहाँ पर भी एक वायर छोड़ना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोड गिन सकते हैं, ये फैन के लिए हो चुका है और ये चार लाइट के लिए चार वायर हमारे पास हाफ के हो चुके हैं। देख सकते हैं तीन और यह चार, ये चार वायर हमारे पास स्विच बोर्ड में लोड के लिए हो चुके हैं और एक फैन के लिए। टोटल पांच लोड हमारे पास फर्स्ट रूम में होने वाले और ये न्यूट्रल होने वाला है जो कि हमारे पूरे रूम में घूमा है। चलिए हमारे पास यहाँ स्विच बोर्ड में वायर हो चुके हैं। अभी हमें सभी न्यूट्रल की यहाँ पे लूपिंग कर लेना है। देखिए सभी न्यूट्रल टोटल पांच वायर होने वाले हैं, चार एलईडी लाइट के लिए और एक हमारे पास आगे से मेन न्यूट्रल आया है, वो टोटल पांच वायर होने वाले हैं। फैन बॉक्स के लिए भी हमें एक न्यूट्रल छोड़ना होगा, तो वो यहाँ पे हम लूपिंग कर छोड़ देंगे। देखिए टोटल पांच वायरों के पांच न्यूट्रल यहाँ से जाने वाले। अब जब भी कोई भी लोड में न्यूट्रल एरिया फेल होता था, हम यहाँ पे फैन बॉक्स को खोलकर काफी आसानी से चेक कर सकते हैं कौन सा न्यूट्रल ब्रेक है या कहाँ से हमें चेकिंग करना है। देखिए एक छोटा सा वायर हमने यहाँ पे लूपिंग किया जिससे ये फैन बॉक्स में न्यूट्रल मिलने वाला। देखिए फैन बॉक्स में न्यूट्रल यहाँ से मिलने वाला है, इसे हमें अच्छे से टैपिंग कर देना है। आप देख सकते हैं अच्छे से हमें यहाँ पे टैपिंग कर लेना है। चलिए यहाँ पे हमारी टैपिंग हो चुकी है, सभी को हमें अंदर यहाँ पे किसी भी एक जगह आपको अंदर कर देना। और यहाँ पे दो वायर आपके हो चुके हैं, एक फेस के लिए जो कि स्विच बोर्ड से आया है और एक न्यूट्रल हमारे पास यहीं से हमने लूपिंग किया है। आप देख सकते हैं हर एक पॉइंट पे हमारे पास दो दो वायर हो चुके हैं, फेस हमारा स्विच बोर्ड के जरिए आया और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट लूप किया है। चलिए सेकंड रूम के लिए भी हमें इसी तरह से वायरिंग कर लेना। हमारा सर्किट वायर आ चुके हैं, सेकंड रूम में भी हाफ के वायर हमें इस तरह से डाल लेना है जो कि हमारे स्विच बोर्ड से जाने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास सभी लोड के लिए हाफ के वायर डाल लेना है हमें। सबसे पहले देख सकते हैं फर्स्ट लोड के लिए हमारे पास फेस का वायर आ चुका है जो कि स्विच बोर्ड के जरिए आने वाला है। अभी इसी तरह से हमें चारों एलईडी बल्ब में या जितने भी लोड होने वाले है सभी में एक एक वायर हमारा फेस का जाने वाला है। हम हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से सीख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। इससे पहले हमने सिंगल रूम के लिए हाउस वायरिंग सीखी थी जिसमें काफी कमेंट्स आए थे, सर दो रूम एक किचन के लिए वायरिंग किस तरह होगी, डबल रूम के लिए वायरिंग किस तरह होगी। तो आगे चलकर हम और भी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाले जिससे आपको नॉलेज मिल सके। तो आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे चलकर और भी नॉलेजेबल वीडियो मिलने वाले है। देखिए अब हमें फोर्थ लोड के लिए भी यहाँ पे हाफ की वायरिंग कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने डब्बी के बॉक्स को खोल लिया है, यहाँ पे हमारे पास चारों लोड के लिए फेस के या हाफ वायर आ चुके हैं। अभी हमें फैन के लिए भी डालना होगा, तो फैन के लिए हम यहाँ पे रेड वायर का यूज कर रहे हैं ताकि हमें पता चलता रहे फैन का वायर कौन सा है और लोड के लिए वायर कौन से होने वाले है। चलिए फैन के लिए हमने यहाँ पे एक वायर को ले लिया है। देखिए फैन में भी फेस का वायर अभी आ चुका है। अब हमें न्यूट्रल की वायरिंग करना था। न्यूट्रल हमने जिस तरह से फर्स्ट रूम में किया था, फैन बॉक्स में हम मेन न्यूट्रल ले गए थे और वहां से हमने सभी जगह लूप किया था। जरूरी नहीं है आप फैन बॉक्स में ही ले जाए, जहां पर आपको वायर कम यूज हो रहे है वहां से ले जाकर आप सभी जगह लूपिंग कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप आगे काम सीखते जाएंगे आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहां पे लूपिंग करना है। चलिए थर्ड रूम में भी हमारी लूपिंग हो चुकी है, थर्ड बल्ब में, यहां से हमने फोर्थ बल्ब में भी लूपिंग कर दिया है। तो देख सकते हैं सभी जगह हमारे न्यूट्रल की लूपिंग हो चुकी है। इन पांचों वायर्स को हमें इस तरह से लूपिंग कर लेना है और यहाँ पे फैन बॉक्स के लिए भी एक वायर को लूप करना है। तो सभी न्यूट्रल की लूपिंग हमें यहाँ पे कर लेना है। टोटल पांच वायर हो चुके हैं, चार हमारे पास एलईडी बल्ब के लिए और एक न्यूट्रल हमारा मेन आया है, मेन न्यूट्रल। तो हमें एक फैन बॉक्स के लिए भी न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा, तो यहीं से हम एक लूपिंग कनेक्ट कर लेते हैं।
चलिए पहले सभी को हमने लूप कर लेना है और लूपिंग को आप अच्छे से टाइट कीजिए, कहीं भी लूजिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आप लूजिंग छोड़ दें तो वायर जलने के कारण फॉल्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पे फैन के लिए न्यूट्रल हमारा यहाँ से जाने वाला है, तो देख सकते हैं हमारे पास टोटल 6 वायर हो चुके हैं। एक मेन न्यूट्रल आया है, 4 LED लाइट के लिए और एक फैन के लिए। देख सकते हैं फैन बॉक्स में भी हमारे पास 2 वायर हो चुके हैं। देखिए 2 वायर हमारे पास फैन बॉक्स में भी हो चुके हैं और सभी लोड में हमारे पास 2-2 वायर हो चुके हैं। स्विच बोर्ड का कनेक्शन हम सीख लेते हैं। देखिए ये फैन रेगुलेटर होने वाला है, ये फैन रेगुलेटर के लिए स्विच होने वाला है। 4 हमारे पास LED लाइट्स होने वाले, तो 4 LED लाइट के लिए स्विच होने वाला है। ये हमारे पास एक स्विच 2-पिन सॉकेट के लिए होने वाला है। आपको जिस स्विच से जिस लोड को रन करना है वहां पर आप कनेक्शन कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम न्यूट्रल कनेक्शन सीख लेते हैं। हमारे पास न्यूट्रल यहाँ पे जस्ट 2-पिन सॉकेट में ही कनेक्ट करना है और एक मेन न्यूट्रल जो हमारे पूरे रूम में घुमा हुआ है वहां पे से अटैच कर लेना, ताकि यहाँ से न्यूट्रल हमारे पूरे रूम में भी जा सके। चलिए इसे हमें अटैच कर लेना है और यहाँ पर हमें जस्ट न्यूट्रल 2-पिन सॉकेट में कनेक्ट करना, तो यहीं पर हम कनेक्ट कर लेते हैं। यदि आपके पास कोई इंडिकेटर होता तो इंडिकेटर में भी आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना होता तो वहां पर भी आप कनेक्ट कर लेते, बट हमारे पास यहाँ जस्ट 2-पिन सॉकेट है तो 2-पिन सॉकेट में हमें यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेना है, जिससे क्या होगा हमारे 2-पिन सॉकेट में न्यूट्रल मिल जाएगा और पूरे रूम में भी न्यूट्रल यहीं से लूप होकर चला जाएगा। तो न्यूट्रल हमारा यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट होता है। फेस की वायरिंग हम सीख लेते हैं किस तरह स्टेप बाय स्टेप की जाने वाली है। चलिए फेस के लिए वायरिंग देखी जाए तो हमारे पास सर्किट वायर से जो फेज आया है उसी फेज को हमारे पास जितने भी स्विच होने वाले हैं सभी स्विच में आपको नीचे की तरफ कनेक्ट कर देना है, ताकि क्या हो सभी स्विच में हमारा फेज आ सके। तो हमारे पास जो मेन फेज आया है उसे हमें स्विच बोर्ड के नीचे के पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। आप ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्विच का काम जस्ट क्या होता है, लोड को कट ऑफ करने का काम होता है या स्टार्ट स्टॉप करने का काम होता है। तो आप ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए सभी स्विच में हमें इस तरह से लूपिंग कर लेना है। कई टेक्नीशियंस क्या होते हैं, एक वायर को छील लेते हैं और सभी में इस तरह से लूपिंग कर देते हैं। उससे आपका समय तो कम लगता है बट वो वायरिंग सही नहीं होती। सेफ्टी के लिहाज से देखी जाए तो सभी स्विच को आप इस तरह से लूप कीजिए, जिससे क्या होगा आपकी वायरिंग काफी जो सेफ्टी के हिसाब से भी बेटर रहने वाली है। तो देखिए हमारे पास जितने भी स्विच होने वाले हैं सभी स्विच में हमें नीचे की तरफ फेस को कनेक्ट कर लेना है। तो हमारे सभी स्विच में नीचे की तरफ फेस आ चुका है, देख सकते हैं आप। अब हमें जिस स्विच से जिस लोड को कंट्रोल करना है उसका वायर हमें स्विच पे ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है। देखिए फेज नीचे की तरफ आ रहा है और यहीं से कंट्रोल होकर सभी लोड में जाने वाला है। सभी स्विच में हमारे पास फेज की लूपिंग हो चुकी है, काफी आसान कनेक्शन है। देखिए अब हमें इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो सॉकेट में हम देख सकते हैं न्यूट्रल डायरेक्ट आया है और जो फेज होने वाला है स्विच में नीचे की तरफ आया, जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा तो फेज यहां से निकलने वाला है। तो एक वायर हमने यहां पे कनेक्ट कर लिया है। इस कनेक्शन को वॉच कर आप किसी भी लोड के लिए कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए स्विच में फेज नीचे की तरफ आया, जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो फेज ऊपर आएगा और यहां पर हमारे पास 2-पिन सॉकेट में आ जाएगा। 2-पिन सॉकेट में फेज स्विच के जरिए आएगा और न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है। चलिए अब हमें जिस लोड को जिस स्विच से कंट्रोल करना है वहां पर कनेक्शन कर लेना है। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस स्विच से किस लोड को रन करना है। चलिए फर्स्ट बल्ब को हमें इस स्विच के जरिए कंट्रोल करना है, तो इसमें हमें हाफ की वायर को कनेक्ट कर देना है। अब जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो यह हमारा बल्ब कंट्रोल स्टार्ट स्टॉप होने वाला है। चलिए यहाँ पर हमें दूसरे LED लाइट को इस स्विच के जरिए कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देना है और कनेक्शन को आप अच्छे से फुल टाइट कीजिए। यदि लूजिंग होगी तो उस कंडीशन में आपके स्विच भी जल सकते हैं, 2-पिन सॉकेट भी जल सकता है और फैन रेगुलेटर भी जल सकता है। तो कनेक्शन को आप अच्छे से फुल टाइट कीजिएगा, कहीं भी कोई लूजिंग नहीं रहना चाहिए। चलिए हमारे पास चारों बल्ब के लिए चारों स्विच में हाफ के वायर कनेक्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब फैन रेगुलेटर कनेक्शन की बात की जाए तो देखिए फैन रेगुलेटर बेसिकली सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और फैन रेगुलेटर में आपके पास 2 वायर इस तरह से दिए गए होते हैं। आप किसी भी एक वायर को स्विच के ऊपर के पॉइंट में कनेक्ट कर दीजिए। देखिए फेज जो स्विच बोर्ड में आ रहा है
जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो फेज हमारा यहाँ पे इस फैन रेगुलेटर के वायर फैन रेगुलेटर में आने वाला है। तो देखिए फैन रेगुलेटर के एक वायर को स्विच के ऊपर की तरफ आप कनेक्ट कर लीजिए। देखिए कनेक्शन आप यहाँ पे अच्छे से टाइट कीजिए। अब जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो फैन रेगुलेटर के जरिए हमारे फैन की स्पीड कंट्रोल होने वाली है। तो रेगुलेटर का जो दूसरा वायर होने वाला है उसे हमें फैन के हाफ के वायर में कनेक्ट कर देना है। इस तरह से देखिए रेगुलेटर के एक वायर को हमने स्विच में कनेक्ट किया है और दूसरे वायर को हमने फैन के हाफ में कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे स्विच बोर्ड कनेक्शन हो चुका है। सभी स्विच में हमने फेस के वायर को कनेक्ट कर दिया है और फैन रेगुलेटर का कनेक्शन भी हो चुका है। अब इस LED लाइट में देखा जाए तो हमारे पास सिंगल फेस की होने वाली है, इसमें हमें सिंगल फेस सप्लाई कनेक्ट करना है। तो हर एक लोड में हम इसका कनेक्शन कर लेते। देखिए एक वायर को हमने यहाँ पे फेज में कनेक्ट किया, किसी भी वायर को कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, सिंगल फेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसे हमें सेफ्टी के लिहाज से अच्छे से टैपिंग कर लेना है। तो देखिए एक LED का कनेक्शन हमारा यहाँ पे हो चुका है, देख सकते हैं आप हमारा कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। इसी तरह हमें सभी LED लाइट्स को फिट कर लेना, और फिट करने के लिए आपको देखिए स्प्रिंग को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से काफी आसानी से इसे फिट कर देना है, देख सकते हैं आप। चलिए इसी तरह से हमने सभी LED लाइट्स का कनेक्शन कर लिया है, सभी में सिंगल फेस सप्लाई हमने कनेक्ट कर दी है और फैन की जगह पर हमने एक एक बल्ब का यूज किया है। तो आप देख सकते हैं हमने कनेक्शन कर लिया, और सेकंड रूम के स्विच बोर्ड का कनेक्शन भी हमने फर्स्ट रूम की तरह ही किया है। वहां पर हमने फैन रेगुलेटर कनेक्ट नहीं किया, उसकी जगह हमने 2 पिन की जगह 5 पिन सॉकेट कनेक्ट कर लिया है, बाकी सेम कनेक्शन हमारा सेम रहने वाला है। चलिए अब हम एक बार इन्हें ऑपरेट कर देख लेते हैं किस तरह से यह ऑपरेट हो रहा है। अभी एनर्जी मीटर में जैसे सप्लाई को ऑन किया है तो एनर्जी मीटर में सप्लाई आ चुकी है। चलिए अब हम डिस्ट्रीब्यूशन MCB को ऑन कर देख लेते हैं किस तरह से यह ऑपरेट हो रहा है। देखिए सबसे पहले हमने मेन MCB को ऑन करना है, मेन MCB को ऑन कर दिया है, फर्स्ट रूम के MCB को ऑन किया है, सेकंड रूम के MCB को ऑन किया, देख सकते हैं सभी स्विच को पहले हमने ऑफ कर दिया है। अब हम एक एक कर सभी लोड को ऑन कर लेते हैं। देख सकते हैं फैन की जगह हमने इसे ऑन किया तो हमारा यह लाइट ऑन हो चुका है, यदि फैन होता ना फैन स्टार्ट होता। एक एक कर हमें सभी लाइट्स को ऑन कर लेना, इस तरह से आपके सभी लोड काफी आसानी से ऑन हो जाएंगे। देखिए यहां पर हमारे पास फर्स्ट रूम की लाइटिंग प्रॉपर वर्क कर रही है, सेकंड रूम में भी हमें इसी तरह से ऑपरेट करने के फैन के लिए होने वाला है, और चारों LED लाइट्स को हमें इस तरह से ऑन कर लेना है। आपको जिस स्विच से जिस लोड को रन करना है, हाफ के वायर को आप स्विच के उस पॉइंट में कनेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आप काफी आसानी से हाउस वायरिंग कर सकते हैं। जस्ट आपको यह ध्यान रखना होता है किस तरह से हम वायरिंग करें ताकि हमारा वायर कम यूज हो सके, और प्रॉपर सेफ्टी के हिसाब से वायरिंग का आपको यूज कीजिए। जो मेन वायर होने वाला जो एनर्जी मीटर से आता है आपको 4 square mm का यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूशन MCB से जो सर्किट वायर आपके स्विच बोर्ड में आता है आपको 2.5 square mm का यूज करना है, और हर एक लोड के लिए आपको मिनिमम 1 square mm या 0.75 square mm का यूज करना है। फैन के लिए आप 1 square mm का वायर यूज कर सकते हैं, और LED लाइट्स के लिए 0.75 का वायर भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह कंप्लीट हाउस वायरिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके, और भी यदि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।